योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मोहन पहलवान स्टेडियम में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी भव्यता के साथ मनाया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ने योगा अभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ विदेशी मेहमानों ने भी भाग लिया और तमाम प्रभावशाली संस्थाओं ने भी भाग लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और योगा अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र के साथ SSP मथुरा शलभ माथुर और मथुरा नगर के मेयर भी योगाभ्यास करते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि मुझे भगवान श्री योगीराज कृष्ण की नगरी में योग करने का अवसर मिला है और योगाभ्यास सबको करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस के अवसर पर पूरा विश्व एक दिवस मना रहा है, हर कोई योग कर रहा है। योग एक अद्भुत विलक्षण चीज है जो भारत की संस्कृति, भारत भारत के अध्यात्म और भारत की भावना, भारत के विचार को प्रदर्शित करता है और हमको लग रहा है कि भारत की धरोहर दुनिया को एक कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला मार्ग बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को रखा 2014 में और उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 177 देशों ने इसमें सहमति दी और 2015 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हम लोग भगवान कृष्ण के इस धरती पर विराजमान है। भगवान कृष्ण को योगीराज कहा जाता है और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ भैया आप सब लोगों के साथ आज यहाँ पर मैं विराजमान हूँ और हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर के योग किया है। योग से व्यक्ति निरोगी होता है और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है योगा कर्मेश कौशलम। पतंजलि ने योग के बारे में कहा है कि योगश्चित्त वित्त निरोधा और मुझको लगता है कि भगवान कृष्ण ने अपने गीता के 700 श्लोकों में जिस तरीके से कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग को परिभाषित किया है और उससे यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण सृष्टि का जो तालमेल है, योग सबको जोड़ता है, योग प्रकृति से व्यक्ति को जोड़ता है, योग अपने अंदर शरीर की विभिन्न तंत्रिकाओं को और विभिन्न इंद्रियों को जोड़ता है, योग से व्यक्ति निरोगी होता है, योग से व्यक्ति इस लोक से लेकर के और उस लोक तक की समस्त यात्राओं को सूक्ष्म रूप से कर सकता है। योग हमको सब कुछ देता है, इसलिए योग के इस अवसर पर आप सब लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर जो योग हो रहा है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद भी जहां करता हूं वहीं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान सूर्य के निकलने से पहले, भगवान के आने से पहले उस भगवान के स्वागत के लिए सबको उठना चाहिए और उठ करके योग करना चाहिए, जिससे शरीर भी निरोगी होगा, सब लोग स्वस्थ होंगे, मेरा देश आगे बढ़ेगा। जब हर कोई स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। स्वच्छता को भी हम आगे बढ़ाएंगे, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के मिशन को आगे चलाएंगे और उसके लिए बहुत जरूरी है अगर हम योग करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए योगा दिवस के अवसर पर आप सब लोगों के माध्यम से मैं शुभकामना देना चाहता हूँ।